खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। चीन के वुहान शहर से पूरी दुनिया में फैला कोरोना वायरस जमकर कहर बरपा रहा है। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन कर दिया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मी और डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद कोरोना वायरस के जो मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस घातक वायरस की चपेट में सुरक्षा कर्मी भी आ रहे हैं। अब तक पैरामिलिट्री फोर्स में कोरोना वायरस के 750 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। सीआरपीएफ में अब तक कुल 236 सुरक्षा कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जबकि बीएसएफ में कोरोना की चपेट में आने वाले सुरक्षा कर्मियों की संख्या 276 तक पहुंच गई है। वहीं आईटीबीपी में कोरोना वायरस के 156 मामले, सीआईएसएफ में 64 मामले और एसएसबी में कुल 18 कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में बीएसएफ में कोरोना वायरस के 18 नए केस सामने आए हैं, जबकि आईटीबीपी में 24 घंटे में 56 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी तरह पिछले 24 घंटे में सीआईएसएफ में कोरोना वायरस के 18 नए मामले देखने को मिले हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अब तक चपेट में आए हैं 750 सुरक्षाकर्मी।